गुड मॉर्निंग मेडल स्टूडेंट माई सेल्फ आलोक वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट कंसनट्रेशन टर्म्स और अभी तक हम फाइव डिफरेंट कंसनट्रेशन टर्म्स डिस्कस कर चुके हैं मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने सारे वीडियो लेक्चर देख लिए होंगे अगर आप में से अभी भी किसी ने देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाके उनको देख सकते हैं क्लियर और अगर आपको मेरा हुआ समझ में आ रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं सो so दैट आप कोई भी वीडियो लेक्चर मिस ना करें करेक्ट सो so, आज स्टूडेंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिक्स कंसंट्रेशन टर्म जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन क्या नाम है मोल फ्रैक्शन इसको एक ग्रीक लेटर सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल बिल्कुल इंग्लिश लेटर एक्स जैसा दिखता है बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है स्टूडेंट वो चाहिए करेक्ट क्या है चाहिए सो मोल फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाई अ ग्रीक लेटर नोन एज चाई करेक्ट है दिखता कैसे है एक्स जैसा बट प्रोनाउंसिएशन क्या स्टूडेंट चाई करेक्ट सी एच आई सो मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट डिस्कस करने से पहले हम एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं विच विल हेल्प एस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन करेक्ट सपोज स्टूडेंट कोई क्लास रूम है हमारे पास सपोज उस क्लास रूम में टेन स्टूडेंट्स हैं Out of ten students, six students are wearing red color T-shirt. Six students are wearing red color T-shirts, and remaining four are wearing green color T-shirt. Correct. If I ask you student, tell me the fraction of student wearing red color T-shirt. Then what will be the answer? That is six by ten. Correct. and now again i am asking you tell me the fraction of student wearing green color t-shirt so the answer will be 4 by 10 correct ye bahut aasan hai aap fraction se familiar hai in maths in class 5, 4th or 5th correct fraction aapko nikalna aata hai now student agar hum ab is को replace करते हैं मिक्सचर से ठीक है मिक्सचर हम binary मिक्सचर ले रहे हैं जिसमें दो ही कंपोनेंट है कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी करेक्ट है सपोज स्टूडेंट जो रेड है उसको हम कंपोनेंट ए कह रहे हैं और जो ग्रीन कलर है उसको कंपोनेंट बी कहते हैं करेक्ट है और जो स्टूडेंट्स थे उनको अब हम मोल से रिप्लेस कर रहे हैं किससे रिप्लेस कर रहे हैं मोल से सो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अब इस यहाँ पे कितने मोल्स ऑफ ए हैं तो आंसर कितना होगा सिक्स और कितने मोल्स ऑफ बी हैं तो आंसर कितना होगा फोर करेक्ट नाउ अगेन आई एम आस्किंग यू टेल मी द फ्रैक्शन ऑफ ए प्रेजेंट इन द मिक्सचर तो आंसर कितना होगा स्टूडेंट फिर से कितना आएगा सिक्स बाय टेन एंड फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन द मिक्सचर तो आंसर फिर से कितना आएगा फोर बाय टेन करेक्ट है सो दिस टाइम स्टूडेंट हम जो फ्रैक्शन है वो किसके टर्म्स में बता रहे हैं मोल्स के टर्म्स में सो वेन फ्रैक्शन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोल देन इट इज़ कॉल्ड एज मोल फ्रैक्शन क्या कहेंगे मोल फ्रैक्शन से और इसको हम ग्रीक लेटर सिंबल चाई से रिप्रेजेंट करेंगे विच लुक लाइक सिमिलर टू एक्स करेक्ट क्लियर करेक्ट स्टूडेंट तो अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी कंपोनेंट का तो आपको क्या करना है जिस कंपोनेंट के आपको मोल्स निकालने हैं उसके मोल फ्रैक् उसके मोल्स डिवाइड कर देना है टोटल मोल्स प्रेजेंट इन मिक्सचर करेक्ट है सपोज हमें मोल फ्रैक्शन ए का निकालना था तो हमने क्या करा दिक्सर इज मोल फ्रेक्शन अगेन अगर हमें मोल फ्रेक्शन बी का निकालना था तो हमने क्या लिया मोल्स ऑफ बी दट इज फोर डिवाइड बाई टोटल मोल्स इन दिक्सचर दैट इज टेन फोर बाय टेन करेक्ट है अभी सिक्स बाय टेन को हम स्टूडेंट रिप्रेजेंट करेंगे काई ए से कैसे बोलेंगे काई ए से करेक्ट और इसको बी को जो हम बोलेंगे फोर बाय टेन इसको कैसे करेंगे काई बी से करेक्ट है काई ए इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर एंड काई बी इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी चाई बी चाई ए इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द मिक्सचर एंड चाई बी इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन द मिक्सचर करेक्ट स्टूडेंट राइट तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल समझ में आया होगा कि कैसे आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं करेक्ट है मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट निकालना बहुत आसान है जिस भी कंपोनेंट के आप मोल्स निकालना चाहते मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल मोल्स कर देना है आपको करेक्ट है अगर आप स्टूडेंट यहीं पे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि चाय ए प्लस चाय बी कितना होगा दोनों को अगर सम करेंगे तो कितना आएगा सिक्स बाय टेन प्लस फोर बाय टेन हाउ मच इट विल बी इक्वल टू वॉट स्टूडेंट वन करेक्ट है तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन स्टूडेंट क्या होता है वन होगा अगर दो कंपोनेंट हैं टू कंपोनेंट्स हैं सॉल्यूशन में चाई ए प्लस चाई बी इज इक्वल टू वन होगा अगर थ्री कंपोनेंट हैं चाई ए प्लस चाई बी प्लस चाई सी तो भी कितना होगा वन होगा कहने का मतलब है समेसन ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन करेक्ट है और एक और बात जो चाई ए है और चाय बी है वो स्टूडेंट कितना सिक्स बाय टेन या फोर बाय टेन तो जो फ्रैक्शन है हमेशा लेस देन वन होता है तो फ्रैक्शन जो रहेगा मोल फ्रैक्शन वो ऑलवेज स्टूडेंट क्या रहता है जीरो टू वन के बीच में ही आएगा करेक्ट है क्योंकि न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा बड़ा होगा दिस मीन्स मोल फ्रैक्शन विल ऑलवेज कम्स इन बिटवीन ज़ीरो टू वन क्या होगा जीरो टू वन हो जाएगा करेक्ट है तो चाई इज़ ऑलवेज इन बिटवीन ज़ीरो टू वन करेक्ट है आप देख भी सकते हैं यहाँ पे जो चाय है वो पॉइंट सिक्स है जो चाय भी है वो पॉइंट फोर है आई होप स्टूडेंट आपको अब क्लियर होगा आइए अब इसको हम रीड कर लेते हैं सो मोल फ्रैक्शन दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय चाई करेक्ट लुक्स लाइक्स एक्स ठीक है सो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रेसो ऑफ मोल्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स करेक्ट है अगर आप किसी सब्सटेंस का मोल ऑफ 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 सो मोल्स मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल करेक्ट है और हमने कहा था कि ज्यादातर हम जो पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे या पूरे केमिस्ट्री पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होगा वन सॉल्वेंट और वन क्या होगा सॉल्यूट होगा करेक्ट है ठीक है तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है है बाइनरी सॉल्यूशन वन सॉल्यूट एंड वन सॉल्वेंट मैंने पहले भी बोला हुआ सॉल्वेंट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कंपोनेंट ए बोलते हैं सॉल्यूट को कंपोनेंट बी कहते हैं करेक्ट है सो दिस मीन्स एन अगर कहीं पे लिखा होगा तो एन क्या होगा मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इन द मिक्सचर एन क्या है मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन द मिक्सचर करेक्ट है सो so क्या है एन इज़ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट एन इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए क्या होगा अभी मैंने बताया था स्टूडेंट चाहिए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट चाई बी इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी दैट इज सॉल्यूट करेक्ट है सो चाई ए क्या होगा स्टूडेंट चाई ए क्या बनेगा मोल्स ऑफ ए दैट इज सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी करेक्ट है एंड चाई बी इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी करेक्ट है जैसे हमने निकाला था सिक्स बाय टेन एंड फोर बाय टेन करेक्ट है सो so, मैंने यहाँ पे यही लिखा हुआ है चाई ए इज इक्वल टू एन ए अप एन ए प्लस एन बी चाई बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी करेक्ट है और मैंने ये बताया था चाय ए प्लस चाय बी ऑलवेज इक्वल टू कितना होगा वन होगा दिस मीन्स अगर मुझे एक मोल फ्रैक्शन पता हो एक कम्पोनेंट का सो तो दूसरे का हम अपने आप निकाल सकते हैं बाई सपट्रैक्टिंग इट विथ वन करेक्ट है तो चाई बी इज इक्वल टू वन माइनस चाय ए हो जाएगा या चाई ए इज इक्वल टू वन माइनस चाय बी हो जाए करेक्ट है अगर सपोज थ्री सब्सटेंस प्रेजेंट है मिक्सचर में ए बी सी सॉल्वेंट ए ही होगा स्टूडेंट बट सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं तो लेट्स सपोज ए इज़ अ सॉल्वेंट एंड बी एंड सी आर सॉल्यूट सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा एन ए अपॉन एन ए प्लस एन वी प्लस एन सी दैट इज टोटल मोल्स एंड मोल्स ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी तो वो क्या होगा एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इज इक्वल टू एन सी अपॉन एन ए प्लस एन वी प्लस एन सी करेक्ट है यहाँ पे क्या होगा चाई ए प्लस चाई वी प्लस चाई सी इक्वल टू क्या होगा वन होगा करेक्ट है मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है समेसन ऑफ़ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वन ये समेसन का सिंबल स्टूडेंट हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन सो सम इज इक्वल टू कितना होगा वन एंड ऑल्सो जो चाई होगा मोल फ्रैक्शन होगा ऑलवेज किसके ज़ीरो से वन के बीच में ही होगा करेक्ट तो आई होप स्टूडेंट आपको मोल फ्रैक्शन ईजिली क्लियर हुआ होगा आइए अब क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उससे हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी फर्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट सिक्सटी फोर ग्राम ऑफ मिथेनॉल इज एडेड इन सेवेंटी टू ग्राम ऑफ वाटर फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट करेक्ट बहुत ईजी है क्वेश्चन स्टूडेंट हमें दोनों कंपोनेंट के वेट गिवन है दोनों कंपोनेंट के वेट से हम क्या निकाल लेंगे मोल्स और अगर मोल्स मिल जाएंगे तो हमें मोल फ्रैक्शन ही मिल जाएगा सो so, हमें डब्लू ए गिवन स्टूडेंट कितना सपोज ए हम इसको मानते हैं मिथेनॉल को वो कितना है सिक्सटी फोर और डब्ल्यू बी कितना गिवन है दैट इज़ मोल्स ऑफ वाटर सॉरी वेट ऑफ वाटर कितना है सेवनटी टू ग्राम सो मोल्स ऑफ मिथेनॉल दैट इज एन कितना सिक्सटी फोर अपॉन मिथिनॉल का मोलर मास दैट इज थर्टी टू वो कितना आएगा स्टूडेंट टू एंड एन बी दैट इज़ मोल्स ऑफ वाटर वेट कितना है सेवेंटी टू डिवाइड बाई वॉट स्टूडेंट एटीन कितना आएगा स्टूडेंट फोर सो एन इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथनॉल इन द मिक्सचर दैट इज़ टू एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इन द मिक्सचर इज़ फोर करेक्ट है क्लियर सो दिस मीन्स हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं सो मोल फ्रैक्शन इज एक्स ए अगर मिथिनॉल का निकालना चाहें सो दैट इज़ एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी करेक्ट सो एन ए कितना कैलकुलेट किया था स्टूडेंट हमने टू अपॉन टू प्लस फोर दैट इज़ कितना टू बाय सिक्स दैट इज़ वन बाय थ्री तो एक्स ए कितना आ गया सॉरी चाई ए कितना आ गया स्टूडेंट चाई ए इज पॉइंट थ्री थ्री तो चाई बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट वन माइनस चाई ए दैट इज़ पॉइंट सिक्स सेवन करेक्ट तो मैंने यहाँ पे वही लिखा है ये रीड कर लेते हैं सपोज ए इज़ मिथनॉल एंड बी इज वाटर सो एन ए इज़ इक्वल टू कितना सिक्सटी फोर अपॉइंट थर्टी टू दैट इज टू एन बी इज सेवेंटी टू अपॉइंट एटीन दैट इज फोर तो चाई ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी ठीक है तो यहाँ पे चाई ए मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये चाई ए लिखा हुआ है दैट इज टू अपॉन टू प्लस फोर दैट इज़ वन अपॉन थ्री तो चाई ए इज़ इक्वल टू पॉइंट थ्री थ्री दैन चाय भी इज इक्वल टू वन माइनस पॉइंट थ्री थ्री दैट इज पॉइंट सिक्स सेवन करेक्ट सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्टी ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज मिक्सड विद वन सेवेंटी वन ग्राम ऑफ वाटर फाइन द मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कम्पोनेंट ये भी बहुत आसान है सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट सपोज हम यहाँ पे वाटर को कम्पोनेंट ए ले रहे हैं और ग्लूकोज को कम्पोनेंट बी कहते हैं सो कम्पोनेट ए का वेट गिवन है कितना स्टूडेंट वन सेवेंटी वन ग्राम और सॉल्यूट का दैट इज़ गुलकोज का वेट कितना गिवन है नाइन्टी ग्राम सो डिवाइड कर दें किससे से एटीन से तो हमें एन ए मिल जाएगा करेक्ट है दैट इज़ नाइन पॉइंट फाइव और यहाँ नाइन्टी को डिवाइड कर दें किससे स्टूडेंट गुलकोज से दैट इज़ वन एट्टी सो हमें कितना मिल जाएगा मोल फ्रैक्शन कितना मिले सॉरी मोल्स कितने मिलेंगे पॉइंट फाइव करेक्ट है सो एन बी इज़ इक्वल टू क्या है पॉइंट फाइव और एन ए कितना है नाइन पॉइंट फाइव सो वी कैन कैलकुलेट चाहिए पंचाई भी सॉरी वी कैन कैलकुलेट चाहिए चाहिए कितना होगा मोल्स ऑफ ए दैट इज़ नाइन पॉइंट फाइव अपॉन नाइन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव करेक्ट है सो so, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी लिखा है ए इज़ वाटर बी इज ग्लूकोस देन एन ए इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव एन बी इज इक्वल टू पॉइंट फाइव देन चाई ए इज इक्वल टू नाइन पॉइंट फाइव अपॉन नाइन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव सो चाई ए इज़ इक्वल टू वाट स्टूडेंट पॉइंट नाइन फाइव देन चाई बी इज इक्वल टू वन माइनस पॉइंट नाइन फाइव दैट इज़ पॉइंट जीरो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इक्वल वेट ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच करेक्ट है इस बार क्या है ग्लूकोज और वाटर के दोनों का हमें इक्वल वेट कंसिडर करना है और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सपोज स्टूडेंट अगेन हम ए को वाटर को ए कंपोनेंट बोलते हैं और ग्लूकोज को कंपोनेंट बी इक्वल वेट बोला है तो सपोज हम इक्वल वेट एज्यूम कर लेते हैं एक्स तो एक्स वेट किसका है वाटर का तो एक्स वेट हम एज्यूम करना है किसका ग्लूकोज का भी सो एक्स ग्राम इज़ वेट ऑफ ग्लोकोज सिमिलरली एक्स ग्राम इज़ वेट ऑफ वाटर ऑल्सो नो मोल्स कैलकुलेट करें तो डिवाइड बाई एटीन और ग्लूकोज के मोल्स डिवाइड बाई वन एट्टी स्टूडेंट सो ये क्या है एन ए और ये क्या है एन बी सो वॉट विल बी चाई ए एक्स अपॉन एटीन अपॉन एक्स अपॉन एटीन प्लस एक्स अपॉन वाट स्टूडेंट वन एटी सो एक्स 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 ये कैंसिल हो जाएगा हम इसको सॉल्व कर लेंगे वी कैन गेट चाई ए अब इसको सॉल्व करेंगे. करेंगे चाई ए आपको टेन बाई कितना मिलेगा इलेवन यू विल गेट टेन बाई इलेवन सो चाई बी कितना हो जाएगा वन माइनस टेन बाई इलेवन दैट इज़ वन बाय इलेवन करेक्ट है सो आइए देखते हैं यहाँ पे ए इज़ वाटर कंपोनेट इज वाटर बी इज ग्लूकोज देन एन ए इज़ इक्वल टू चाई ए अपन एटीन एन बी इज इक्वल टू एन ए इज़ इक्वल टू सॉरी रिपीट कर रहा हूँ मैं एन ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एटीन एन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन एटी वेर एक्स इज वेट इन ग्राम सो ए इज इक्वल टू क्या होगा एक्स अपॉन एटीन अपॉन एक्स अपॉन एटीन प्लस एक्स अपॉन वन एटी एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट तो कितना मिलेगा टेन बाई इलेवन सो चाई बी इज इक्वल टू कितना होगा वन माइनस एक्स दैट इज वन बाय सॉरी चाई बी इज इक्वल टू वन माइनस चाई ए सो चाई बी इज इक्वल टू कितना होगा वन वन बाय इलेवन करेक्ट स्टूडेंट सो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ होगा मोल फ्रैक्शन क्या होता है और कैसे मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट करते हैं करेक्ट